भैया कितने लोग सीओडी सीओडी बोलते हो कि कैश ऑन डिलीवरी आप क्यों नहीं देते हो। देख लो कैश ऑन डिलीवरी का जीता जागता उदाहरण, पूरे डिटेल में बात करेंगे इस पैकेट के ऊपर। अभी अभी मुझे रिटर्न आया है और ये शूज सीओडी में गया था, कैश ऑन डिलीवरी में। इसीलिए कोई भी सेलर शायद सीओडी कराने से कतरा रहे हैं कि सीओडी में सामने वाले जो बंदे होते हैं ना, जो मंगाते हैं सीओडी, एकदम जबरदस्त लापरवाह होते हैं। ऑर्डर कर दो, आएगा, कैंसिल कर दो। दिक्कत हम लोगों को होती है सीओडी में, जो रिटर्निंग चार्ज बनता है, जो इसको पैक करके मैंने भेजा है, जो कुरियर चार्ज लगा है, फिर रिटर्निंग का जो चार्ज है, लगभग 450 से 500 रुपये मेरा नुकसान हुआ। एक जूते पे 150-200 रुपये कमाई नहीं हुई, 500 रुपये ये नुकसान करा दिए। और ये सीओडी का रुझान है, देख लो सीओडी जो देना स्टार्ट किया हूँ, अगर ऐसा चला तो फिर से मैं सीओडी पूरी तरह से बंद कर दूंगा। अभी इसको हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और खोलेंगे, दिखाएंगे कि इनको क्या चीज़ दिक्कत आई थी और क्या समझ करके इन्होंने रिटर्न किया है। और खोल करके देखो चारों तरफ से पैक है, जैसे मैं पार्सल भेजता हूँ वैसे ही है, सेम टू सेम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है पार्सल में। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल में, ये 1800 रुपये सीओडी, कलेक्ट सीओडी। अब 1800 सीओडी में ये है क्या इसके अंदर? कई लोगों को ये भी डाउट होता है ना कि ओपन बॉक्स सीओडी, तो इसको बॉक्स भी ओपन कर रहे हैं कि मैंने क्या भेजा था, क्या नहीं, गलत भेजा हूँ कि सही भेजा हूँ, आपके सामने ही दिखेगा। अब भी अभी जस्ट मुझे ये प्राप्त हुआ है, ये ऑर्डर था हमारे कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, कवर्धा छत्तीसगढ़ से ये ऑर्डर था। आप देख सकते हो सारे डिटेल्स ऑर्डर किसके ऊपर है। और ये 1900 रुपये का इन्हें मैंने दिया था, गाइड 10 आर्टिकल है, और 1900 रुपये में से 100 रुपये इन्होंने जमा कर दिए थे, 1800 रुपये बचे थे। मात्र 100 रुपये लेकर मैं जो सीओडी करा रहा हूँ, इतने कम प्राइस पे सीओडी, एक तो कोई बंदा जल्दी नहीं बेचेगा, पूरा कुरियर चार्ज 500 रुपये लोग क्यों ले रहे हैं पता है, 350 से 500। अगर आप नहीं लेते हो, नहीं रिसीव करते हो, ये वाला काम करते हो, तो उनके पैसे घर से कुछ नहीं जाने वाले हैं। प्लस वो लोग जूते का रेट एकदम अलग रखते हैं, उसमें से माइनसे नहीं करते हैं उस चीज़ को। मैं इतनी ईमानदारी से, इतने प्रेम से बोला कि चलो कस्टमर जिनको विश्वास नहीं है, मात्र 100 रुपये लेकर के सबसे कम प्राइस पे सीओडी कराऊंगा और उन तक चीज़ों को पहुंचाऊंगा। गाइड 10 एक तो आर्टिकल 1900 इसका प्राइस है, 1900 में से 100 रुपये उन्होंने जमा कर दिए, जैसे मैं बोलता हूँ 100 रुपये आप जमा कर दो, 1800 बचा, 1800 का मैंने सीओडी करा दिया कि भैया घर जाने के बाद 1800 दे देना। उनके पास ये पार्सल पहुंचा भी, मैंने कॉल से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया इसीलिए मैंने नहीं लिया। अरे जब समझ में नहीं आया तो मंगाया काहे लिए भैया। आइए इसका ऑपरेशन करके देखते हैं। बॉक्स आप देख सकते हो चारों तरफ से, जैसा मैं पैक भेजता हूँ उसी तरह से एकदम पैक है, टैपिंग है, सब कुछ सही है। आइए इसको खोलते हैं हम। देखो आपके सामने खोल रहा हूँ, ये मत बोलना कि सामने नहीं खोलते हो। देखो एकदम सुरक्षित बॉक्स है, मुझे दिख भी रहा है, दिखा रहा हूँ एवरीथिंग। इतने अच्छे से जो हम लोग पैकिंग करते हैं, आप लोग पता है ना क्या, देखो भाई अब क्या था इसके अंदर, तुम बोले ना भैया कि मुझे समझ में नहीं आया। देखो ये पैकेट था, ये हट गया पूरी तरह से मजबूत, देखो कितनी मजबूती से हम लोग पैक करके भेजते हैं। शूज देखो, यहाँ देखो टेपिंग, देखो आपको समझ में नहीं आया, सामने खोल रहा हूँ ना सबके लाइव, ये देखो 1900 में मेमोरी फोम भी दिया था, ये देख लो। अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदोगे तो 100-100 रुपये की ये मिलेगी, देख लो। शूज दिखा रहा हूँ इनको, एक भी नीचे नहीं करूँगा, दिखाऊंगा एकदम लाइव टू लाइव। साइज देख लो, अभी दिखाऊंगा सब कुछ आपके सामने। क्या ये जूता नहीं था इसके अंदर जो आपने मंगाया था? यही शूज ना आपने ऑर्डर किया था? शूज की क्वालिटी देखो, अनटच पीस, एक डॉट तक गंदगी का नहीं है, इतना टॉप क्वालिटी का शूज भेजा था देखो। और ऐसे ही सबको भेजता हूँ, ये नहीं है किसी को भी खराब भेज देता हूँ। शूज देखो, पता ना किस मिट्टी के बने हो आप लोग, ना दूसरों का नुकसान करने में बहुत मजा आता है आप लोगों को, बहुत, थोड़ा नहीं। सूज का साइज होने वाला है UK 9 नंबर। ये बताइए कहाँ से इस सूज में कमी थी? फर्स्ट कॉपी सूज है, नाइकी का जूम स्ट्रक्चर,
7X गाइड 10 आर्टिकल है, यही आर्टिकल इन्होंने मांगा भी था। मैंने बॉक्स के ऊपर अभी भी देख लो, प्राइस भी देख लो, 1800 रुपये उन्हें घर जाके बांधने के बाद देना था, 100 रुपये एडवांस दिया था। ईमानदारी से पूरा फर्स्ट कॉपी शूज मैंने भेजा था, इसके साथ ये भी गया था, और उन्होंने सारा कुछ ऑर्डर करके मंगा करके जो रिटर्निंग का काम किया है, मतलब यार खोल के देख तो लेते कम से कम कि हाँ मैंने जो बोला है वो भेजा है कि नहीं। इसी कारण से कई सेलर जो होते हैं सीओडी नहीं कराते हैं। अगर इस तरह की और सारी घटनाएं हुई तो मैं भी फिर से सीओडी को पूरी तरह से बंद कर दूंगा। कैश ऑन डिलीवरी, जो घर जाने के बाद पैसा देने वाला सिस्टम है, और जो लोग बोलते हो ना, देख लो ये चीज़, यही होती है दिक्कत। लोग बोलते हैं कि नहीं भैया आप भेजो, हम ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे, सीओडी नहीं कराते हो तो हमें ट्रस्ट नहीं है कि आप नहीं भेजोगे, हमें ट्रस्ट नहीं है कि आप पैसे खा जाओगे, लूट लोगे। अरे ट्रस्ट हमें क्या दिक्कत नहीं होती, जब आप पूरे पैसे देते हो तो पूरी तरह से चौकन्ने रहते हो कि हाँ हमारे पैसे दिए हैं, पैसे गिने हैं, सूज आएगा, हमें लेना है। और जब पैसे नहीं गिने होते हैं ना लोग, तो यही काम करते हैं, अपना तो नुकसान कराए 100 रुपये का, हमारा नुकसान करा दिए 500 का। तो प्लीज जो भी लोग देख रहे हैं, अगर ऐसा काम करना होगा किसी को भी, तो वो सीओडी में हमसे मत मंगाना, कहीं और से मंगा लेना, चाहे कुछ भी करना, भैया सीओडी उनके लिए नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ। अगर दो चार घटनाएं और ऐसी हो गई सीओडी में, तो इसके अगले बार से सीओडी पूरी तरह से बंद कर दूंगा। क्या हम लोग को कुत्ता काटा है पागल, ये जो 1800 रुपये है ये जानते हैं हमें कितने दिन मिलता बाद, आप तो वहाँ दे देते। एक तो हम लोग भेजे हैं जब से शूज, तब से 5-7 दिन लग गया आपके यहाँ जाने में, 5 दिन, फिर 5 दिन रिटर्न आने में 10 दिन का समय हमारा हो गया, और फिर 10 दिन आपने नुकसान भी किया। इस जूते को भी मंगाया, 10 दिन हमको घुमाया, इसकी पूंजी को 10 दिन घुमाया ना आपने, और कोई फ़ायदा नहीं, लिया भी नहीं, तो हर तरीके से, और 500 ऊपर से हमको रेल दिया, मतलब 1800 की पूंजी भी घुमाई, 500 ऊपर से नुकसान भी करा दिया, मतलब इस जूते का डबल दाम आपने नुकसान कराया है एक तरह से। भैया ऐसा मत किया कीजिए, बहुत होशियार आप लोग नहीं है, ये मत सोचा कीजिए, मेहनत करते हैं हम लोग, मेहनत से काम करते हैं, ट्रस्ट खराब होता है इससे, एक व्यक्ति करोगे 10 लोगों पर असर पड़ेगा, फिर बोलोगे कि आप सेलर लोग सीओडी नहीं देते हो, आप सेलर लोग ये करते हो वो करते हो, होंगे जो फ्रॉड सेलर। सामने इसीलिए अनबॉक्सिंग किया कि देखूं मैं भी कि क्या दिक्कत थी, इतने अच्छे से पैकिंग मैं भेजा था, देखो इतनी अच्छी सी पैकिंग हुई थी, आपके सामने ही खोला हर चीज़, उसके बावजूद ये हाल है। शूज़ में भी कहीं से कोई कमी नहीं है, टॉप क्वालिटी एकदम, देखो पास से एक डॉट भी दिखा दो शूज़ के ऊपर, फर्स्ट कॉपी शूज़ है, एकदम बेस्ट क्वालिटी का शूज़ मैंने भेजा था, विथ मेमोरी फोम भेजा था, इतनी चीज़ें। अगर इस तरह का काम होगा भैया, तो मैं भी 4-5 अगर हो गया ना, तो मैं सीओडी नहीं कराऊंगा। और सीओडी लेने वालों के लिए विशेष सबक है कि ऐसा काम करना होगा तो प्लीज़, और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मत करना मुझे ऑर्डर, आप मत करना सीओडी में। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।